Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल स्टूडेंट्स माई नेम इज़ डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी द टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू दैट इज दिस इज माई लेक्चर। यह मेरा विश्वा व्याख्यान है संसद की संविधान संशोधन की शक्ति इस व्याख्यान uh, के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संसद के द्वारा संशोधन की क्या पावर दी गई है पार्लियामेंट को क्या पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की आप जैसा कि जानते हैं भारतीय संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और किसी भी लोकतांत्रिक देश की सर्वोच्च विधि को हम संविधान की संज्ञा देते हैं तो संविधान में संशोधन की सीमा क्या होगी संसद संशोधन करना चाहिए या संसद की जो संशोधन करने की पावर है वह किस तरह से साधारण बहुमत होना चाहिए या विशेष बहुमत होना चाहिए विशेष परिस्थितियों में राज्य की विधानसभाओं का समर्थन भी होना चाहिए इन सभी बातों को लेकर के उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस पर संसद के द्वारा यदि कोई ऐसा कानून बनाया गया जो संविधान के विपरीत है मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो समय प, समय पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसमें क्या हस्तक्षेप किए गए और उस कानून को असंवैधानिक घोषित किया गया मातृस आधार पर कि वह संविधान की आत्मा के विपरीत संविधान के प्रावधानों के विपरीत है मैंने स्लाइड चूँकि हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्रों के लिए विशेषकर ध्यान में करते हुए मैंने बनाया है और चूँकि यह हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए लॉ में कंटेंट बहुत ही कम है और कंटेंट जो है भी उस पर बहुत थोड़ी समस्या है वो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी भाषी प्रतियोगी छात्रों को के लिए ये व्याख्यान और इस रूप में जो कोर्स मटेरियल है हिंदी में बनाने का प्रयास किया है तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की जो संसद की शक्ति है यह संविधान के आर्टिकल थ्री में दिया गया है संविधान के आर्टिकल तीन सौ थ्री सिक्सटी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय सं, संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्धन परिवर्तन या निरसन कर सकती है जिन तीन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है आर्टिकल 368 में उसको ध्यान में रखना है कि एक तो पावर दे दी गई है आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की और संशोधन में क्या तीन शब्द सम्मिलित हैं या तो भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्धन कर सकती है हुँ? उसमें ऐड कर सकती है समथिंग कैन बी एडेड बाई द पार्लियामेंट या तो संविधान में कुछ जोड़ा जा सकता है परिवर्धन करना एनलॉर्ज करना होता है परिवर्धन किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है उसके नेचर को जो जो भी संविधान में प्रावधान है उसके नेचर को वेरिएट उसमें वेरिएशन किया जा सकता है अब इसको अभी हम बताएंगे कि परिवर्धन या परिवर्तन का दृष्टांत के माध्यम से और तीसरा है कि निरसन रिपील कर सकती है निरसित कर सकती है संविधान के किसी ऐसे प्रावधान को जो भारतीय समाज और भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के लिए अनुकूल नहीं है तो उस समाज उस प्रावधान को निरसित भी किया जा सकता है रिपील किया जा सकता है तो पहले देखेंगे कि संविधान के आर्टिकल तीन के अंतर्गत तो भारतीय संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में विशेष बहुमत से या तो परिवर्धन कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है या निसिंध कर सकती है स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा छात्रों को आप देखें स्क्रीन पर कि मैंने पहले उस पर लिखा है कि संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करके संविधान के किसी भी प्रावधान का परिवर्धन परिवर्धन का मतलब मैंने जैसा कि बताया एनलॉर्जमेंट करना ऐड करना जोड़ा जाना परिवर्तन करना मतलब किसी संविधान के किसी प्रावधान में वेरिएशन करना उसके स्टेटस को चेंज कर देना और ये जो निरसन शब्दावली की गई है इसका है रिपील कर देना समाप्त कर देना तो यह संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए फिर मैंने बताने का प्रयास किया है आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट की ये प्रोसीजर क्या होगा पार्लियामेंट बाय किस प्रोसीजर के द्वारा संविधान के प्रावधान में संशोधन करेगी तो यह प्रोसीजर जो होगा वो लिखा है मैंने कि विधेयक संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत अर्थात साधारण बहुमत बहुमत तथा दो तिहाई टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले सदस्यों के द्वारा किया जाएगा और जब लोकसभा या राज्यसभा के दो तिहाई बहुमत से कोई विधाई प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के लिए अनुमति के लिए जाएगा और राष्ट्रपति ऐसे संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संसद संविधान के किसी भी भाग में आर्टिकल 368 के अंतर्गत परिवर्धन कर सकती है जोड़ सकती है जैसे आपने देखा होगा कि जब भारतीय संविधान 1950 में बना तो 1950 में शिक्षा के अधिकार को राइट टू एजुकेशन को उस समय नहीं जोड़ा गया था परंतु बाद में जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन दैट इज़ फंडामेंटल राइट और ये फंडामेंटल राइट पर्टिकुलरली उनको दिया जाना चाहिए जो डिप्राइब जो अंडर प्रिवलेज क्लास के हैं वे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है कमजोर वर्ग समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सरकार का यह संवैधानिक दायित्व तो है कि वह निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए तो राइट टू प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है यह सुनिश्चित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1992 में एक केस में कहा गया अब उस पर संबंधित कानून जब तक बनेगा नहीं उसका लीगल फ्रेमवर्क नहीं होगा तब तक उस पर हम समाज के उन गरीब वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते तो इसलिए संविधान में संशोधन करके संसद के द्वारा राइट टू प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया और ये आर्टिकल 21 जो 21 ए संविधान का अनुच्छेद 21 क जो जोड़ा गया वह एनलार्जमेंट परिवर्धन की श्रेणी में आएगा कि संसद के द्वारा संविधान के आर्टिकल इक्कीस क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के भारतीय बच्चों को जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है समाज के कमज़ोर वर्ग के हैं दे आर हैविंग बी पी कार्ड उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी ये राज्य की होगी स्टेट की है ये राज्य का संवैधानिक दायित्व तो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें इसलिए भारतीय संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया राइट टू एजुकेशन को तो यह संसंसन यह भारतीय संसद के द्वारा परिवर्धन किया गया संविधान में एक धारा एक संविधान में एक प्रावधान जोड़ा गया ऐड किया गया आर्टिकल ट्वेंटी वन को दूसरी शब्दावली जो संशोधन जो अमेंडमेंट वर्ड यूज किया गया आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में मैं उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि संशोधन के अमेंडमेंट इंक्लूड्स थ्री थिंग्स फर्स्ट एडिशन जोड़ा जाना दूसरा है वेरिएशन परिवर्तन किया जाना तीसरा है रिपील निरसित किया जाना समाप्त किया जाना तो परिवर्तन में मैंने बताया परिवर्तन करने का मतलब कि भारतीय संसद दो तिहाई बहुमत से संविधान के किसी भी प्रावधान के स्टेटस को परिवर्तित कर सकती है आप जैसा कि जानते होंगे राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार था फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी परंतु संपत्ति के अधिकार को चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार भाग तीन से हटा करके संविधान के आर्टिकल थ्री ए में जोड़ा गया तीन सौ क कर दिया गया अर्थात अब उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके मात्र संवैधानिक अधिकार कर दिया गया जैसा कि आप जानते हैं मौलिक अधिकार में यदि वो रहा होता तो फंडामेंटल राइट होने की वजह से कोई भी व्यक्ति जिसके प्रॉपर्टी के राइट से वंचित किया जाता वह सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता और अपने चूंकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में कोई भी पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार को लागू कराने के लिए सीधे जा सकता है तो तर्क दिया गया कि संपत्ति का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये संवैधानिक अधिकार है संविधान के आर्टिकल तीन सौ में अब यह जोड़ दिया गया संशोधन के माध्यम से परिवर्तन कर दिया गया स्टेटस में परिवर्तन किया गया और परिवर्तन का केवल और केवल कारण यह बताया गया कि यदि संपत्ति के अधिकार को भाग तीन में मौलिक अधिकार के रूप में हम रखेंगे तो हमारे देश की जो शहरीकरण का जो प्रक्रिया है अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वह शिथिल हो जाएगा जब भी सरकार किसी भी लैंड को एक्वायर करेगी लैंड एक्विजिशन होगा भूमि का अधिग्रहण होगा शहरी विकास के लिए तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकार के आधार पर वह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीधे चला जाएगा अनावश्यक लिटिगेशन होगा और विकास की जो प्रक्रिया है जो शहरीकरण की प्रक्रिया है अर्बनाइजेशन का जो प्रक्रिया है वह बाधित होगी इसलिए चूँकि शहरी विकास को प्रोत्साहित किया जा सके अर्बनाइजेशन को प्रमोट किया जा सके या सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया कि फंडामेंटल राइट्स से इसके स्टेटस को चेंज करके हम संवैधानिक अधिकार में ला देंगे तो व्यक्ति के हम अगर संवैधानिक अधिकार में कर देंगे हम उनको मुआवजा दें जितनी इनकी लैंड एक्वायर कर रही है सरकार उस लैंड के एक्वायर जितना भी जमीन उसको अधिग्रहण किया है उसके अनुपात में प्रपोशनेट उसको हम कंपनसेट कर दें प्रतिकर प्रदान कर दें तो आर्थिक रूप से उसकी हम सहायता कर दें तो निश्चित रूप से उसकी जो ग्रीवांश है किसान की वह कम हो जाएगी तो इसलिए अब यह संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट के स्टेटस से चेंज करके संवैधानिक अधिकार में रख दिया गया ये उसका लॉजिक है ये उसका तर्क है क्यों ऐसा स्टेटस चेंज किया गया बिना किसी कारण के यदि भारतीय संसद कोई परिवर्तन करती है तो अभी जन विद्रोह के माध्यम से वह अभी जो कानून है वह भी विवश कर दिया जाएगा वापस लेने के लिए तो ऐसी स्थितियों में समानता चूंकि संसद भी पूरे देश के जनप्रतिनिधियों का सामूहिक देश की जनता का सामूहिक प्रतिनिधित्व करती है और जो ऐसा कोई कानून जो संसद के द्वारा बनाया जाता है यदि जन विरोधी होगा तो निश्चित रूप से वह अस्थाई सस्टेन नहीं करेगा और उसको अल्पकाल में ही विवश होकर के पार्लियामेंट को वापस करना होगा तो यह संविधान के आर्टिकल 368 के अंतर्गत दो चीज़ें मैंने बताई एडिशन का परिवर्धन किया जाना संशोधन के माध्यम से संसद संविधान के किसी भी भाग में कोई प्रावधान जोड़ सकती है परिवर्धित कर सकती है शिक्षा का अधिकार मैंने बताया परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया गया ये भी ये भी संशोधन के द्वारा ही हुआ आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के द्वारा हुआ तीसरा इसमें है कि संशोधन के माध्यम से निरसित किया जा सकता है भारतीय संविधान का ऐसा कोई प्रावधान जो देश के सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है संसद को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत दो तिहाई बहुमत से ऐसे प्रावधान को रिपील कर दे समाप्त कर दे तो ये हो गया जो 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट संशोधन के अंतर्गत क्या कर सकती है और संशोधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं परिवर्धन परिवर्तन और निरसन अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है ये तो हो गया क्या किया जा सकता है दूसरा है कि बाई व्हाट प्रोसीजर पार्लियामेंट कैन रिपील द लॉ संसद किस प्रोसीजर के द्वारा उसका जो प्रोसीड्योर है वो हो क्या होगा और किस प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय संसद संविधान के प्रावधान में संशोधन कर सकती है तो ये स्लाइड के माध्यम से आप ये देखें मैंने बहुमत को जो है तीन कैटेगरी में बांटा है जो मेजॉरिटी है वह जो मेजॉरिटी चाहे पार्लियामेंट में हो या स्टेट लेजिस्लेचर में हो मेजॉरिटी को तीन कैटेगरी में बांटा गया पहला मैंने लिखा है सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत और तीसरी ऐसी स्थिति आती है जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन तो ये तीसरी स्थिति है जैसा मैंने उदाहरण के रूप में दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जो साधारण बहुमत है उसमें प्रक्रिया संसद यदि संशोधन करना चाहती है तो साधारण बहुमत से साधारण बहुमत क्या कहा जाएगा प्रोसीजर आप देखें कि जैसे मैंने कहा कि लोकसभा में यदि मैक्सिमम लोकसभा में तो मैक्सिमम नंबर आप जो मेंबर्स हैं वो पाँच हैं अभी तक जो 552 हैं पाँच मैंने अभी इसके ठीक पहले वाले व्याख्यान में बताया था आउट ऑफ फाइव फिफ्टी टू जो फाइव थर्टी है दे आर इलेक्टेड बाय पीपल पीपुल जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं फाइव थर्टी ट्वेंटी जो होते हैं वह केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं दो इसमें जो मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय के दो व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं परंतु एक्चुअल जो स्थिति है लोकसभा में अगर देखें तो 545 सौ पैंतालीस एगोन मेंबर हैं तो 545 का अगर हम उसको डिवाइड कर दें दो से और प्लस उसमें एक ऐड कर दें जितने मेंबर आएंगे उसको हम मानेंगे कि यह मिनिमम मेजॉरिटी है जो किसी भी लेजिस्लेटिव प्रस्ताव को विधायी प्रस्ताव को लोकसभा से पारित करने के लिए रिक्वायर्ड है अर्थात लोकसभा में कोई भी प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हुआ तब कहा जाएगा जब वह लोकसभा में कुल उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक एक अधिक यदि अपना समर्थन दे दें तो वह प्रस्ताव लोकसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित हुआ समझा जाएगा मैंने दृष्टांत के माध्यम से बताया कि यदि हम 540 सदस्य रख लें तो 540 का होगा 50% परसेंट आप देखें तो 270 होगा 270 सेवेंटी प्लस वन हो गया अगर 271 सेवेंटी मेंबर्स अगर उसको पक्ष में मतदान करते हैं तो लोकसभा द्वारा वह प्रस्ताव पारित हुआ साधारण बहुमत से पारित हुआ समझा जाएगा जैसे नए राज्यों का निर्माण है उत्तराखंड का निर्माण किया गया झारखंड का निर्माण किया गया तो इसमें साधारण सिंपल मेजॉरिटी से संसद के द्वारा ये फिफ्टी परसेंट प्लस वन से ये ऐसा किया गया होगा दूसरा है राज्यसभा भी है क्योंकि संसद के जो तीन इसेंशियल कंपोनेंट हैं लो, राज्यसभा लोकसभा सबसे ऊपर राष्ट्रपति है और मैंने पहले बताया था कि ये संसद जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट की बात केवल एक नहीं पार्लियामेंट की बात जब भी होगी तब भी तीन लोगों की बात होगी प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा ये स्वयं ये संरचना संविधान के आर्टिकल सेवेंटी में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट इंक्लूड्स प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा एंड लोकसभा तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे अगर टू है दो सौ है तो आउट ऑफ टू फिफ्टी का अगर हम फिफ्टी परसेंट करें तो वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी सिक्स मेंबर्स अगर किसी भी विधायी प्रस्ताव पर यदि साधारण बहुमत से उसे पारित कर दें तो यह माना जाएगा कि वह विधायी प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा साधारण बहुमत से पारित हो गया है अब यह विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा और चूंकि साधारण बहुमत से विधेयक पारित हुआ है यह आर्डनरी बिल होगा साधारण विधेयक होगा मैंने आपको बताया था विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं साधारण विधेयक आर्डनी बि, बिल और संविधान संशोधन विधेयक तो संविधान संशोधन विधेयक में जब भी बात होगी तो बात होगी विशेष बहुमत की टू थर्ड मेजॉरिटी की बात होगी अब किन मामलों में किन विषयों में साधारण बहुमत से होगा ये सब सारी बातें संविधान में लिखी गई हैं कि, कि किन विधेयक को किन प्रस्ताव को लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है और किन विधेयक को किन विधायी प्रस्ताव को लेजिस्लेटिव प्रपोजल को संसद के दो तिहाई बहुमत से ही पारित किया जाएगा ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मैंने ये बताया कि भारतीय संसद के द्वारा टू थर्ड मेजॉरिटी से संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है हम जिसे विशेष बहुमत की बात करते हैं विशेष बहुमत का मतलब है टू थर्ड मेजॉरिटी तो लोकसभा में दो तिहाई बहुमत प्रेजेंट एंड नोटिंग राज्यसभा में प्रेजेंट एंड नोटिंग टू तो थर्ड मेजॉरिटी से ते यदि किसी भी विधायी संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए जाएगा और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए प्रथमतः बाध्य है यह भी प्रारंभिक परीक्षाओं में प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं अब बात यह है कि विधेयक अगर साधारण विधेयक होगा तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है परंतु दूसरी बार यदि उसी रूप में या संशोधित संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः उसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को सिवाय उस पर अनुमति देने के अलावा कोई संवैधानिक रूप से विकल्प नहीं है राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है यदि संैदानिक रूप से देखेंगे हाँ या नाम यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप लिखेंगे कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है संविधान संशोधन विधेयक पर पहली बार में ही बाध्य है पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है और यदि साधारण विधेयक है तो वह सदन को एक बार विचार के लिए पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है कुछ ऐसे प्रावधान हैं संविधान में जहाँ पे न केवल संसद के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है परंतु राज्य की विधानसभाओं के द्वारा भी ऐसे प्रस्ताव का रेटिफिकेशन किया जाना अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक होता है जैसे यदि संविधान के आर्टिकल 368 में ही प्र संशोधन करना हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया प्रोसीजर में कोई संशोधन करना हो तो ऐसी स्थिति में न केवल संसद के दो तिहाई बहुमत बल्कि राज्य की विधानसभाओं के बहुमत की भी आवश्यकता होगी राज्य की विधानसभाओं के द्वारा यदि अनुमोदन नहीं किया जाता है तो संसद ऐसे किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है उस राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है स्वयं आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत किसी प्रक्रिया को लेकर के अगर परिवर्तन है तो राज्य की विधानसभाओं का भी इसमें समर्थन रेटिफिकेशन आवश्यक है तो ये बात हो गई बहुमत मेजॉरिटी कितनी हो सकती है कितने प्रकार की हो सकती है मैंने आपको बताया अब पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 368 क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है फंडामेंटल राइट में परिवर्तन हो सकता है या नहीं हो सकता है इससे संबंधित पहला मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष देखे 1951 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया स्क्रीन पर मैंने इसको बताया बताने का प्रयास किया कि जो सबसे पहला केस था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ ए आई सुप्रीम कोर्ट इस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के केस में चुकी उन्नीस सौ पचास में संविधान लागू हुआ और 1951 में ये केस माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो इसमें प्रश्न यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय किया गया कि मौलिक अधिकार सहित तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है पुनः अपने इस बात की पुष्टि नाइनटीन सिक्सटी में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट कैन आल्सो बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के पास पावर है वह फंडामेंटल राइट को भी संशोधन कर सकती है अब परंतु एक स्थिति ऐसी आई नाइनटीन में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को बदलते हुए कहा कि नहीं मौलिक अधिकार में संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जा सकता है अब यह स्थिति मैंने आपको स्लाइड के माध्यम से देखिए बताने का प्रयास किया गोलकनाथ केस का नाम है गोलकनाथ वर्ष स्टेट ऑफ पंजाब राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट के 11 न्यायाधीश के द्वारा ये मामला डिसाइड किया गया कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी कितना मेजॉरिटी कितने पक्ष में थे कितने विपक्ष में थे मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है सिक्स इंटू फाइव का था जजमेंट इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑब्जर्वेशन आया मैं उसको क्रमशः वन टू थ्री करके बता रहा हूँ पहला इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल राइट एंड दैट कैन नॉट बी अमेंडेड जो मौलिक अधिकार है वह नैसर्गिक अधिकार है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है वो वह नॉन ट्रांसफरेबल राइट है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट उसको छीन नहीं सकती है थर्ड है कि जो चीफ जस्टिस सुब्बा राव ने संविधान में संशोधन की शक्ति को कहा कि ये पार्लियामेंट में जो पावर है संशोधन करने की आर्टिकल 245, 246 में नहीं फोर्टी फाइव कि आर्टिकल 368 में आर्टिकल 368 में केवल प्रोसीजर बताया गया है कि बाई व्हाट प्रोसीजर पार्लियामेंट कैन मेक एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोसीजर के द्वारा करेगी पार्लियामेंट मात्र प्रोसीजर जो है उसमें प्रेस्क्राइब किया गया है कि टू थर्ड मेजोरिटी होगी इन हाउस लोकसभा इसको पास करेगा तो ये केवल प्रोसीजर की बात करता है जो सब्सटेंटिव पावर है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ये केवल और केवल आर्टिकल 245 में दिया गया है अब पांचवी बात जो फिफ्थ पॉइंट इसमें रेच किया गया पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक 1967 के पहले जो चीज़ें हैं वो वैध रहेंगे संवैधानिक रहेंगे लेकिन नाइनटीन सिक्सटी फाइव नाइनटीन सिक्सटी सेवन प्रस्पेक्टिव रोवर का डॉक्ट्रीन इसमें कहा गया कि भविष्य में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा भविष्य में वही माने जाएंगे जो आज डिसाइड किया जा रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा तो इस केस में पहली बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोस्पेक्टिव डॉक्टरी नाफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग किस केस में प्रतिपादित किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो केस है गोलकनाथ का डॉक्टरी नाफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब क्या है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत का अर्थ केवल और केवल यह है कि भूत में पास्ट में जितने भी डिसीजन हुए हैं वे वैलिड रहेंगे वे वैध रहेंगे लेकिन भविष्य में उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तो ये प्रस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को संक्षेप में ये समझने का प्रयास किया जाए और लास्ट पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया इस केस में वो ये कहा गया कि संविधान संशोधन जो विधि है वो अभी संविधान के आर्टिकल थर्टीन क्लास थ्री के अंतर्गत विधि है और यह फंडामेंटल राइट की यदि विरोध में है फंडामेंटल लाइट के यदि विरोध में है तो उस सीमा तक शून्य होगी अब एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह थोड़ा सा इसमें था संविधान के आर्टिकल तेरह दो में लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के पश्चात संसद के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि फंडामेंटल राइट भाग तीन में प्रदत्त मूल अधिकार के असंगत होने की सीमा तक शून्य होंगे अर्थात संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कोई कानून संविधान लागू होने के पश्चात 1950 के पश्चात उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक वे मौलिक अधिकार से असंगत हैं सो टू इसमें कहा गया कि संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है तो टू द एक्सटेंट ऑफ रिपोर्नेसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इनकन्सिस्टेंसी वह लॉ जो है दैट लॉ शैल बी वायड वह शून्य होगा अगर फंडामेंटल राइट के असंगत है उससे उसके अगर विरोध में है और थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत बनाया गया कानून भी विधि भी वह आर्टिकल तेरह के अंतर्गत विधि मानी जाएगी अब यह है चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकर होता है और ये लार्जेस्ट बेंच थी अभी तक की सुप्रीम कोर्ट में इलेवन जजेस बेंच थी तो इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय अब सभी न्यायालयों पर बाधकर होगा हाई कोर्ट जाके भी कोई अगेंस्ट निर्णय नहीं दे सकता है इस गोलकनाथ केस के पश्चात तो पार्लियामेंट को लगा कि ये तो जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है पार्लियामेंट के क्षेत्र में विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया अब इसके पश्चात संसद ने डिसाइड किया कि हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और भारतीय संसद के द्वारा 1971 में अभी अब, अब देखें यह केस डिसाइड हुआ 1967 में साइटेशन गेस बहुत इंपॉर्टेंट है और साइटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1967 में जब केस डिसाइड किया गया कि संविधान संशोधन विधि भी आर्टिकल तेरह के अंतर्गत विधि है और मूल अधिकार के अगर उल्लंघन में है तो उस सीमा तक शून्य होगी अब इसे निष्प्रभावी करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वर्ष उन्नीस में 1971 में 24वें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा यह स्थापित एक संविधान में प्रावधान जोड़ा गया आर्टिकल तेरह संविधान के आर्टिकल मैं इसको स्लाइड पर ही देखे उसमें करूं थोड़ा सा आर्टिकल थर्टीन फोर यह जोड़ा गया फो, ट्वेंटी फोर संविधान संशोधन नाइनटीन सेवेंटी वन के से द्वारा अब संसद ने एक संशोधन कर दिया संविधान में और ये अभी ठीक मैंने बताया ना कि संसद संशोधन के माध्यम से परिवर्तन कर सकती है परिवर्तन कर सकती है तो ये परिवर्धन कर दिया गया एक एक, एक प्रावधान और ऐड कर दिया गया इसमें पहले मूल संविधान में आर्टिकल तेरह में तीन ही उपखंड क्लॉज थे वन टू थ्री अभी फोर ऐड कर दिया पार्लियामेंट ने उस आर्टिकल थर्टीन फोर के माध्यम से क्या जोड़ा कि संविधान संशोधन विधि जो है जो संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया जाएगा वह संविधान की आर्टिकल तेरह तीन के अंतर्गत विधि नहीं मानी जाएगी उसे विधि नहीं माना जाएगा अब ये बात चूंकि अभी गोलकनाथ केस में 1967 में कहा गया कि संसद के द्वारा बनाया गया विधि भी शून्य होगा अगर वह फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है और संसद ने कानून बना दिया कि जो संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट है वह कानून जो है वह साधारण कानून नहीं माना जाएगा तो अब इस उत्पन्न हो गई कि क्या इसकी संवैधानिकता है क्या संविधान संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को छीन सकती है वापस ले सकती है तो चौबीसवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ इकहत्तर की संवैधानिकता को पुनः स्लाइड पर देखें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट के मामले में चैलेंज किया गया इस वाद में महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या संसद के द्वारा बनाई गई संसो संविधान संशोधन विधि यह साधारण विधि या विधि की परिभाषा में आता है या नहीं चौबीसवें संविधान संशोधन उन्नीस की संवैधानिकता को चैलेंज किया गया केशवान भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अब चूंकि इसमें निर्णय देना था तो स्वाभाविक है कि पहले के ग्यारह न्यायाधीशों के निर्णय को हम तभी सुप्रीम कोर्ट अपने ओवर रूल कर सकती है बदल सकती है जब उससे बृहद पीठ हो लार्जर पीठ हो तो इसमें आप देखें कि इसमें थर्टीन जजेज ने डिसाइड किया केस को तेरह न्यायाधीश थे सेवन सिक्स का जजमेंट है और पहला जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार सहित संविधान का कोई प्रावधान संशोधन हो सकता है अभी ठीक इसके पहले देखा गया था कि गोलकनाथ की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट नेचुरल राइट्स हैं उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती है अब यहां पे कह दिया गया केशव भारती की केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट सहित संविधान का कोई भी भाग संशोधित किया जा सकता है पार्लियामेंट को पावर है पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है अमेंडमेंट कर सकती है चीफ जस्टिस तीसरा पॉइंट जो मैंने इसमें कहा है कि चीफ जस्टिस सीकरी ने विचार व्यक्त किया कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रोसीजर एंड पावर दोनों दिया हुआ है दोनों का उल्लेख है जो कि ठीक इसके विपरीत गोलकनाथ केस में कहा गया कि 368 में मात्र प्रोसीजर दिया गया है पावर नहीं है इस केस में सुप्रीम कोर्ट के तेरह न्यायाधीशों में जो मेजॉरिटी ओपिनियन ये थी कि पावर एंड प्रोसीजर बोथ आर प्रिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 368 सिक्सटी एट शक्ति और प्रक्रिया दोनों का उल्लेख किया गया है शक्ति से तात्पर पावर से तात्पर व्हाट कैन व्हाट कैन बी डन और व्हाट नॉट कैन बी डन क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है संसद के द्वारा तो पावर एंड प्रोसीजर दोनों आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत दिया गया है इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने इस केसवान भारती केस में कहा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नाइनटीन सेवेंटी थ्री में सुप्रीम कोर्ट ने कही अभी तक जो नहीं हुई थी वह चौथा फोर्थ पॉइंट आप देखें संसद संविधान के किसी प्रावधान का संशोधन आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत कर सकती है परंतु आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है एंड क्या है इंडियन कोर्ट ने कहा कि, 368 के अंतर्गत भारतीय संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे का बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं किया जा सकता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है केशवन भारती केस में कहा गया कि सरकार का जो गणतंत्रात्मक एवं डेमोक्रेटिक स्वरूप है रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फार्म ऑफ गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है जो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम इस डेमोक्रेसी को हटा के हम मुनार्की नहीं ला सकते हम यहाँ पे रिपब्लिक को हटा करके यहाँ पे कोई दूसरा सिस्टम नहीं ला सकते तो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी जो हमारा फार्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें संसद इसमें पार्लियामेंट संशोधन नहीं कर सकती है दूसरी बात संविधान ही सर्वोपरि है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न तो यहां पर पार पार्लियामेंट सुप्रीम है न तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है यहां पर जो सुप्रीम है वह है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत का संविधान ही सर्वोपरि है वही सुप्रीम है चाहे वह संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो अपनी पावर जो है दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन वे अपनी शक्तियों को संविधान से ही डिराइव करते हैं और जो कुछ भी वह संसद करती है जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट करता है वो वही करते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है तो संविधान ही सरोपरि है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि धर्मनिरपेक्षता सेक्यूलर जो सेकुलर कैरेक्टर है भारत का यह भी संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है ये सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता तो धर्मनिरपेक्षता को भी पार्लियामेंट संशोधन करके इसके स्थान पर कोई दूसरी प्रावधान नहीं कर सकती और जो तीसरा चौथा पॉइंट है संविधान का परिसंघात्मक प्रकृति फेडरल कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट संविधान भारतीय संविधान के जो प्रकृति को परिसंघात्मक मानता है कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन होगा अपनी अपनी शक्तियों में रहते हुए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य करेंगी तो ये जो चार ऐसे पॉइंट हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान के आधारभूत ढांचे हैं अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में कही गई 1973 में वह है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संसद के समक्ष एक पैरामीटर एक मानदंड प्रस्तुत कर दिया कि आप कुछ भी संशोधन करिए संसद के किसी भी प्रावधान में अमेंडमेंट करिए लेकिन उन प्रावधानों में अमेंडमेंट नहीं हो सकता संशोधन नहीं हो सकता जिस जो जिस पर संविधान अवलंबित है जिस पर संविधान टिका हुआ है और जिसको खट हटा देने से संशोधित कर देने से समाप्त कर देने से संविधान की आत्मा ही निष्प्राण हो जाएगी या संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा जो संविधान निर्माताओं की सोच कभी भी नहीं थी तो आधारभूत ढांचा क्या है इसको अगर हम साधारण भाषा में पर समझने का प्रयास करें तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर कि वे प्रावधान जिस पर भारतीय संविधान अवलंबित है आधारित है जैसे हमारा डेमोक्रेसी है रिपब्लिक फार्म ऑफ गवर्नमेंट है सेकुलरिज्म है हमारा देश का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है संविधान की सरोपरि सु, 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 सुप्रीमेशी है संसद सुप्रीम नहीं है जैसा कि मैंने बताया संसद भी वही कार्य करती है जो संविधान संविधान के दायरे के बाहर जाके पार्लियामेंट काम करेगी तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट यदि संसद के संविधान के बाहर कार्य करता है तो उसके लिए पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि उनको इम्पीच करके उनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया ला करके उनको हटाया जा सकता है जो संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करते हैं तो हम इस चेक एंड बैलेंस के माध्यम से कि कोई भी एक गवर्नमेंट का जो आर्गेन तीन आर्गेन है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी उन दोनों में एक चेक और बैलेंस बना रहे एक अगर आर्गेन जो है कोई संविधान के विपरीत कार्य करता है तो दूसरे आर्गन दूसरा जो एन एनदर आर्गन ऑफ़ द गवर्नमेंट उस पर चेक उस पर चेक लगा सकता है या जुडिशरी कोई संविधान के विपरीत कार्य करती है तो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट उसको चेक कर सकता है तो ऐसी स्थिति में केशवान भारती के केस में जो फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया वो भी दैट इज अ काइंड ऑफ लिटमस टेस्ट वह एक लिटमस टेस्ट की तरह है कि अगर कोई भी संशोधन उस दायरे में नहीं आता है उस सर्किल में नहीं आता है आधारभूत ढांचे का वॉलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी भी संवैधानिक संशोधन को अवैध कर सकती है और असंवैधानिक घोषित कर सकती है यदि संसद के द्वारा संशोधन के माध्यम से दो तिहाई बहुमत से या थ्री फोर्थ मेजॉरिटी से यदि संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है तो यह केसवान भारती 1973 का केस न केवल भारतीय न्यायिक इतिहास के लिए परंतु भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पहला ऐसा प्रयास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद कोई भी संशोधन करे पार्लियामेंट करे लेकिन एक सीमा है एक दायरा है और एक जो लिमिट व प्रेस्क्राइब किया गया वह दायरा किया गया कि आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके पार्लियामेंट कोई भी संशोधन कर ले वो अलाउड है अब अभी इसको आगे देखेंगे कि स्क्रीन पर आप देखें मैंने लिखा है डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत केस भारती केस 1973 में सर्वप्रथम आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया और दूसरा मैंने केस लिखा है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण ए या आई आर नाइनटीन सेवेंटी फाइव सुप्रीम कोर्ट अब इसमें देखें थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि एक प्रकार का एक लिटमस टेस्ट है जैसे केम, केमिस्ट्री में या केमिकल वहाँ बताया जाता है कि किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए देखा जाए कि जो ऊपर रह जाता है हमारा एब्रैक्ट वही है तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रकार का लिटमस टेस्ट है पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट कुछ भी संशोधन करे परंतु अगर बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने का प्रयास किया जाएगा तो वी पीपुल आर हियर हम सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर देगी शून्य कर देगी अब आधारभूत ढांचा चूंकि डिफाइंड है नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये प्रत्येक मामले में प्रत्येक केस के तथ्य के आधार पर डिसाइड किया जाएगा तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने आ, केस के माध्यम से हर केस में कुछ कहा है कि आ, जो फ्री फेयर एंड जो फेयर इलेक्शन है वह डेमोक्रेसी का इसेंशियल कंपोनेंट है निष्पक्ष निर्वाचन यदि निर्वाचन में मनी एंड मसल्स पावर का यूज़ किया गया है तो हम उस निर्वाचन को निष्पक्ष नहीं कर सकते और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होगा विधि का शासन है रूल ऑफ लॉ है तो उसमें गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ विधि का शासन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे दृष्टांत के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अभी इतने इलिस्ट्रेटिव केसेस हैं इतना इलिस्ट्रेशन इतने चीज़ों को माना जाए कि ये संविधान के आधारभूत ढांचे हैं अभी एक चीज़ तो मैंने बताया इसमें स्क्रीन के माध्यम से आप देखें कि इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राम नारायण केस ए आई सुप्रीम कोर्ट ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कि उन्नीस सौ में जून 1975 में देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई उसके ठीक पहले इंदिरा जब निर्वाचन होता है तो इंदिरा गांधी उस लोकसभा के निर्वाचन में हार जाती हैं पराजित हो जाती हैं उनके निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित करार कर दिया जाता है कि उनका निर्वाचन अवैध था अब चूंकि 1973 में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था केसवान भारती की केस में 1975 का जब यह अवसर प्राप्त हुआ उच्चतम न्यायालय को बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को टेस्ट करने का तो इस मामले में उनतालीसवां जो मुख्य विचारणी प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वह मैं स्क्रीन पर अभी हाईलाइट करता हूँ उनतालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के अनुच्छेद थ्री ट्वेंटी नाइन फोर को असंवैधानिक घोषित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती यह जुडिशियल रिव्यू का उल्लंघन होगा जो आधारभूत ढांचा है अब सुप्रीम चूंकि अभी इमरजेंसी लागू है उसी दौरान भारतीय संसद के द्वारा एक कानून बना दिया गया जिसमें इंदिरा प्रधानमंत्री के चुनाव को यह प्रावधान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को भारत में किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता चुनौती नहीं दी जा सकती तो अभी एक प्रकार से न्यायालय के रिव्यू करने के पावर को जो कि केशवान भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि विधायिका के द्वारा पारित किए गए किसी भी लॉ को किसी भी कानून के लीगैलिटी लेगैलिटी को चेक करना कि वह संविधान के विपरीत है या संविधान सम्मत है यह चेक करना सुप्रीम कोर्ट को पावर होना चाहिए जिस तरह से पार्लियामेंट कानून बना सकती है उसी तरह से उच्चतम न्यायालय भी नागरिक अधिकारों का संरक्षक होने के नाते संविधान संरक्षक का हो संरक्षक होने के नाते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं उस शपथ की रक्षा के लिए संविधान संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि को के लीगलिटी को चुनौती को चेक कर सकता है उसका टेस्ट कर सकता है तो इसलिए जो थर्टी नाइन्थ उनतालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट जिसमें प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती यह न्यायालय के रिव्यू करने के पावर को सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू करने के पावर को नष्ट करता है समाप्त करता है अतः असंवैधानिक है आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर इस संवैधानिक संशोधन को अश संवैधानिक संशोधन को अवैध करार दिया गया कि यह आधारभूत ढांचे का नष्ट करता है, है आधारभूत ढांचे को इसमें समाप्त कर दिया गया था अतः यह अधिनियम यह संविधान संशोधन अधिनियम का वह प्रावधान असंवैधानिक घोषित किया जाता है तो आपने देखा दो चीज़ें एक तो बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस केस में लागू किया गया बेसिक दो चीजें दो प्रश्न पूछे जाते हैं प्राय प्रारंभिक परीक्षा में कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में विकसित किया गया प्रतिपादित किया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डॉक्ट्रिना बेसिक स्ट्रक्चर वॉज इवॉल्व तो प्रतिपादित करना इवॉल्व करना यह केशवान भारती का केस है और किस केस में आधारभूत ढांचे सिद्धांत को अप्लाई किया गया वह इंदिरा नेहरू है तो एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन एंड इवॉल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रीन किस किस केस में इस डॉक्ट्रीन को इस रूल को इवॉल्व किया गया और किस केस में इस डॉक्ट्रीन को अप्लाई किया गया दोनों अलग अलग प्रश्न हैं प्रायः कन्फ्यूज करता है प्रायः प्राय जो छात्रों में यह कन्फ्यूजन संदेह की स्थिति होती है तो सर्वप्रथम का फर्स्ट टाइम पूछा जाता है कि सर्वप्रथम केसवान भारती केस में इस सिद्धांत को विकसित किया गया और सर्वप्रथम इंदिरा नेहरू वर्सेज राज नारायण की केस में इस सिद्धांत को लागू किया गया और लागू करते हुए एक संविधान संशोधन नियम को ही अपास्त कर दिया गया सुन कर दिया गया तो अब दो चीजें क्लियर हो गई दो केस याद रखेंगे अब इसके बाद आते हैं स्लाइड में एक केस मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ यान एटी सुप्रीम कोर्ट अब इसमें आप देखिए मैंने स्लाइड पर लिखा है कि जो मुख्य प्रश्न क्या था उस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसमें बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 1976 द्वारा यह जोड़ा गया 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया अनुच्छेद 368 में दो खंड जोड़े गए जो 368 सिक्सटी एट क्लास फोर यह प्रावधान करता था कि 368 के अधीन संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और संविधान की जो संशोधन पर कोई पर सीमा नहीं होगी दो प्रावधान बयालीसवें संविधान जैसा कि आप जानते हैं कि यह ऐसा वर्ष था जिसमें केंद्र में एक तो राष्ट्रीय आपात लागू किया गया 1975 में और बयालीसवें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बहुत व्यापक परिवर्तन किया गया था भारतीय संविधान के अंतर्गत चाहे वह मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की बात रही हो या प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर रखने की बात रही हो या अन्य ऐसे प्रावधान थे जो बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा संविधान में कई प्रावधान जोड़े गए तो उसमें एक ये भी प्रावधान था कि राष्ट्र की संसद के द्वारा संशोधन की जो शक्ति है उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी तो चूंकि यह संविधान से संबंधित प्रश्न था इसलिए यह संविधानिक पीठ के द्वारा डिसाइड किया गया पांच न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा डिसाइड किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंदचूड़ ने बहुमत से निर्णय कि मैंने स्लाइड पर यह बताने का प्रयास किया कि जो आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट और का जो खंड चार और पाँच है यह असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि यह जो संविधान का आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का वालेसन करता है बेसिक स्ट्रक्चर का वालेशन करता है क्यों क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है जुडिशरी हैज पावर टू रिव्यू एनी लॉ इनाइक्टेड बाय द लेजिस्लेचर बाय द पार्लियामेंट सो व्हाट एवर लॉ इज इनाइक्टेड बाय द पार्लियामेंट कैन बी रिव्यूड कैन बी टेस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कोई भी संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा उसका सुप्रीम कोर्ट उसको टेस्ट कर सकता है उसकी लीगैलिटी को परिचित कर सकता है उसका टेस्ट कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद ने उन्नीस में संशोधन करके दो प्रावधान जोड़े थे जिसमें कि संविधान संशोधन कानून को न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर रखा गया था और ठीक अभी कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिव्यू करने की पावर जो है संविधान का आधारभूत ढांचा है यह संसद समाप्त नहीं कर सकती है यह उसका उल्लंघन है अतः इसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में मिनरवा मिल्स केस में किन किन बातों को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की जो 368 के अधीन संविधान संशोधन की जो पावर है इसको भी इसको भी हम संविधान के इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे दिस इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेकेंड जो बात कही गई कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो हार्मोनी है हार्मो, सामंजस्य है हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी दैट इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए जिससे फंडामेंटल राइट और डा, डा प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हारमोनी को के में जो सामंजस्य है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाए तीसरा है फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो राइट टू इक्वलिटी है विधि विधि के समझ समता का अधिकार है इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा और इसमें देखें लास्ट मैंने लिखा है न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू ये जो न्यायिक पुनर्लोकन है जुडिशियल रिव्यू है ये भी आधारभूत ढांचा है बेसिक स्ट्रक्चर है इसको संसद समाप्त नहीं कर सकती है तो यह बात हो गई मिनरवा मिल्स की केस में भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इन इन बातों को बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में घोषित किया गया अब आते हैं नेक्स्ट अभी तक के जो संविधान संशोधन महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं मैं अभी ठीक ठीक पहले बताया है कि जो चौबीसवां संविधान संशोधन है उन्नीस के द्वारा उसमें आर्टिकल थर्टीन क्लास फोर जोड़ा गया और थर्टीन फोर ये कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम को आर्टिकल तेरह तेरह दो के अंतर्गत विधि नहीं माना जा सकता है तो ये संविधान यह उन्नीस में जोड़ा गया 1975 में थर्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा पारित किया गया संसद ने वर्ष उन्नीस सौ पचहत्तर में थर्टी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बनाया जिसमें एक प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर किया गया ठीक अभी पहले मैंने बताया कि एक बयालीसवें संविधान संशोधन जिसमें संसद की शक्ति जो संशोधन की शक्ति है उसको भी पार्लियामेंट को कहीं इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो बयालीसवें संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा संसद की जो संशोधन की शक्ति है पावर है उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया ज़्यादा किया गया अब बयालीसवें संविधान संशोधन से पहले आपको यदि मालूम है कि संविधान संशोधन जो एक समिति होती है उस समिति ने सिफारिश किया कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसमें अमेंडमेंट सुधार जिसमें अमेंडमेंट होना चाहिए उसके अध्यक्षता थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी 1975 में और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर ही संसद के द्वारा बयालीसवां संविधान संशोधन उन्नीस पारित किया गया उस एक्ट के माध्यम से संविधान में भाग चार क जोड़ा गया जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है मूल कर्तव्य की बात करता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य जोड़े गए वह भी स्वर्ण सिंह समिति ये सारी इन्फॉर्मेशन सूचना मैं एक साथ यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा जैसे कि आप अगर स्वर्ण सिंह समिति आता है पूछने के लिए कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है सरकारी आयोग किससे संबंधित है तो प्रशासनिक सुधार आयोग किससे संबंधित है तो कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त इतनी सूचना रहे पास में कि स्वर्ण सिंह समिति नाम आते ही ये समझें कि संविधान में संशोधन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह थे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो ये हो गया संविधान संशोधन इसके अलावा भी यदि आप देखें तो मैं इसी स्कीम के माध्यम से अगर बताने का प्रयास करूं तो टेंथ शेड्यूल संविधान में जोड़ा गया था दसवां अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में भारतीय संविधान में इस समय जो बारह अनुसूचियां हैं इलेवेंथ शेड्यूल जोड़ी गई और बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई वह उन्नीस में उन्नीस में, में जैसे जो दसवीं अनुसूची भारतीय संविधान में इसमें वर्तमान में जिससे बारह अनुसूचियां हैं ट्वेल्व अनुशेड्यूल है दसवीं अनुसूची जोड़ी गई दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ है दल बदल निरोध अधिनियम 1985 राजीव गांधी सरकार प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे राजीव गांधी सरकार के द्वारा भारतीय राजनीति में सुचता लाने के लिए दल बदल जो एंटी डिफेक्शन लॉ है दल बदल निरोध अधिनियम पारित किया गया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कानून है और उसे दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया इलेवेंथ जो शेड्यूल है इसमें ग्यारहवीं अनुसूची है इसको उन्नीस वर्ष उन्नीस में जोड़ा गया जब पीवी वी नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र में थी तो पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए बहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से पूरे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई कि ग्राम पंचायत जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होगी ग्राम पंचायत होगी क्षेत्र समिति होगी जिला पंचायत होगी ये थ्री टीयर सिस्टम होगा त्रिस्तरीय स्तरीय व्यवस्था होगी और ये ग्राम स्वराज जो महात्मा गांधी के द्वारा अभिकल्पित ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार करने के लिए भारतीय संसद के द्वारा वर्ष उन्नीस में ये ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई तो आप इसको भी इस तरह से याद कर सकते हैं और उसका जो नाम है वह है बहत्तरवाँ संविधान सेवेंटी सेवेंटी टू संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ बानवे जिसके द्वारा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई जिससे जो, जो पंचायती राज की बात करता है और उस पंचायती राज में उनतीस ट्वेंटी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनतीस विषय हैं जिसमें ग्राम सभा कानून बना सकती है गांव में मेले लगाने के लिए तहबाजारी उसमें मार्केट से राजस्व वसूली करने के लिए ये सब जो है ग्राम सभा ग्राम पंचायत डिसाइड करती है तो उसको डिटेल में बस इतना ही केवल जाने कि दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है कब जोड़ा गया उस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया ग्यारहवीं अनुसूची कब जोड़ी गई और बारहवीं सूच बारहवीं जो अनुसूची है ट्वेल्थ जो शेड्यूल है वह भी बारहवीं अनुसूची वह नगर पंचायत के विषय में नगरी पंचायत के विषय में बात करती है जिसको हम कारपोरेटर सभासद और नगर निगम कारपोरेशन के रूप में देखते हैं तो यह भी बारहवीं अनुसूची जोड़ी गई ये संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं जिसको छात्रों को याद रखना होगा राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार संबंधित संविधान संशोधन जोड़े गए संविधान में संशोधन हुआ है अब दूसरी बात इस इसमें जो दो इम्पॉर्टेंट केस रह गया है देखिए मैंने इसको पहले बताया है एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ए आई आर और दूसरा है आई आर कोहलो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब इन दो केस के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस माम, इस केस में महत्वपूर्ण प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समझ क्या था यल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एआईआर 1997 नाइनटी सात न्यायाधीशों के द्वारा ये मामला डिसाइड किया गया था जैसे मैंने आपको लिखा है पाला सेवन और एक एक कानून बनाया गया 1985 में जो केंद्रीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्राइब्यूनल एक्ट है 1985 का प्रशासकीय सेवा अधिकरण अधिनियम 1985, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। चूंकि राजीव गांधी सरकार केंद्र में राजीव गांधी सरकार के नेतृत्व में भारत में पहली बार सर्वप्रथम 1985 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स हैं प्रशासनिक जो मुद्दे हैं मामले हैं उनके डिसाइड करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात की गई कि केंद्रीय स्तर पर जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा और राज्य स्तर पर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होगा राज्य प्रशासनिक अधिकरण होंगे एक उच्च न्यायालय के समक्ष वादों की संख्या को कम करने के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष वादों की संख्या को कम करने के लिए एक विशेष प्रकार के न्यायालय की स्थापना की बात की गई जिससे न केवल पेंडेंसी जो कम होगी लंबित वादों की संख्या भी कम होगी बल्कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो परिलक्षित स्पीडी जस्टिस है शीघ्र न्याय का शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की जो संवैधानिक बाध्यता है वह राइट टू स्पीडी जस्टिस को भी शीघ्र सुनिश्चित किया जा सकेगा इस भावना के तहत नाइनटीन एटी में पहली बार संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया अब उस कानून में एक लैकुना जो था कि भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए उस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रिब्यूनल एक्ट नाइनटीन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि उच्च न्यायालय को राज्य प्रशासनिक अधिकरण और केंद्र जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण हम उसको साक्षेप मैंने उसमें लिखा है स्लाइड पर आप देखें कैट लिखा हुआ है कैट का मतलब यहाँ पर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल का मतलब यहाँ अधिकरण से हाईकोर्ट के जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया था कि प्रावधान किया गया था कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो निर्णय होंगे उस फैसले निर्णय के विरुद्ध अपील केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा हाई कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है अब आप ये देखें कि स्वयं भारतीय संविधान के आर्टिकल टू ट्वेंटी में प्रावधान किया गया है टू ट्वेंटी कि में किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को अपनी अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी अधिकरण के द्वारा पारित किसी आदेश या दंडादेश के विरुद्ध अपील ग्रहण करने की अधिकारिता होगी अर्थात यह जो आर्टिकल 227 है यह उच्च न्यायालय हाईकोर्ट को पावर देता है कि वह उस हाईकोर्ट के जुडिशियर में आने वाले किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को सुपरवाइज कर सकता है उसके ऊपर अधीक्षण की शक्ति को सुपरविजन कर सकता है तो ट्राइब्यूनल जो है दैट इज अ क्वासाई जुडिशियल बॉडी ट्राइब्यूनल भी उसी हाई कोर्ट के जुडिशन में आ रहा है तो ट्राइब्यूनल के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को भी हाई कोर्ट रिव्यू करने की पावर होनी चाहिए जैसा कि एक्ट के अंतर्गत यह कह दिया गया कि हाई कोर्ट ऐसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को रिव्यू नहीं कर सकती है सीधे वैसा एग्रीड पर्सन जो है वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो एल चंद्र कुमार की केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसलिए आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है ये हाई कोर्ट के रिव्यू करने के पावर को ये एक्ट जो है स्टैचू उसने वाप छीन लिया है तो उस प्रावधान को जिस प्रावधान जिसमें प्रावधानित किया गया था कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय कि अपील केवल हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को होगी हाई कोर्ट को पावर नहीं होगा रिव्यू करने का उसको सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक करार किया है दूसरा महत्वपूर्ण केस मैंने आपको स्लाइड पर देखिए बताने का प्रयास किया है आई आर कोहले वर्स स्टेट ऑफ तमिलनाडु ए आई आर टू थाउजेंड सेवन सुप्रीम कोर्ट इस केस में संविधान की नवी सूची में शामिल किए गए अधिनियम का भी न्यायिक पुनर्वलोकन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है यदि वे मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं जैसा आप सभी छात्रों को मालूम होगा कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषय को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू करने से बाहर रख दिया गया था यह एक प्रकार से ऐसे मामले थे कि जिसमें जो विशेष प्रकार के कानून थे उसको नवी अनुसूची में रख दिया जाता था डाल दिया जाता था जिसका उद्देश्य केवल यह था कि अनावश्यक मुकदमेबाजी ना हो पाए और जिससे विकास कार्य जो है बाधित न हो इसलिए संसद के द्वारा एक नवीन सूची जोड़ी गई और कहा गया कि नवीन सूची नाइन शेड्यूल में जो कुछ भी विषय जाएंगे जो भी कोई एक्ट अधिनियम चला जाएगा और कह दिया जाएगा कि नवीन सूची के अंतर्गत माना जाए तो उस नवीन सूची में सम्मिलित किए गए विषयों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है परंतु सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार टू में आई आर कहलो की केस में कहा कि चूंकि जुडिशियल रिव्यू जो है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वह संसद ऐसा कोई कानून बना करके प्रावधान नहीं कर सकती कि जुडिशरी के रिव्यू करने के पावर को कम किया जा सकता है या छीना जा सकता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि नाइन्थ शेड्यूल में सम्मिलित किए गए किसी भी विषय का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और यदि वह फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है तो उस सीमा तक हम उसे शून्य कर सकते हैं तो ये बात हो गई इस आई आर कोहलो के केस में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशल रिव्यू और नाइन्थ शेड्यूल का नवी अनुसूची का भी जुडिशल रिव्यू हो सकता है तो इस रूप में मुझे लगता है कि सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है भारतीय संसद के द्वारा संविधान में संशोधन करने की जो पावर थ्री सिक्सटी एट के अंतर्गत दी गई है संशोधन में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं ये मैंने बताने का प्रयास किया और संविधान में संशोधन की जो संसद की पावर है उस पर जो दो इम्पॉर्टेंट केस मैंने आपको बताया गोलकनाथ की केस केशवान भारती का केस इंदिरा नेहरू नारायण का केस मिनरवा मिल्स का केस बताने का प्रयास किया एल चंद्र कुमार ऑफ इंडिया का केस आई आर कोहलो का केस ये ऐसे महत्वपूर्ण केसेस हैं जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित विषय पर ये कोई भी परीक्षा हो प्रारंभिक परीक्षा हो या रिटर्न टेस्ट हो ये आवश्यक रूप से पूछा जाता है यदि सारी सूचना यदि इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे मैंने इसमें मेजॉरिटी बहुमत कितने प्रकार का होता है साधारण बहुमत विशेष बहुमत विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन ये भी बताने का प्रयास किया है तो मैं समझता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप सभी निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे मैंने उच्चतम न्यायालय की भी भूमिका को और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको भी केशन भारती की केस में के माध्यम से बताने का प्रयास किया और बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से किस केस में पहली बार किसी एक्ट को संसद के किसी कानून को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया ये भी मैंने इंदिरा नेहरू केस के माध्यम से बताने का आपको प्रयास किया है फिर उसके बाद अभी तक जितने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन जिन पॉइंट को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है उसको मैंने बताने का प्रयास किया जैसा डेमोक्रेसी है यह भी भारत का आधारभूत यह भी बेसिक स्ट्रक्चर माना जाएगा इस संविधान की आधारभूत ढांचा है जिस पर संविधान अवलंबित है डेमोक्रेसी हो गया रिपब्लिक फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया उसके बाद है रूल ऑफ लॉ है विधि का शासन हो गया जुडिशियल रिव्यू हो गया स्वयं आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट में संशोधन की बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू इक्वलिटी विधि के समझ समानता की बात हो गई यह अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत माने गए हैं यदि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो इन बातों को न्यून करता है डेमोक्रेसी को जो है डिग्रेड करता है रिपब्लिक को डिग्रेड करता है या रिपब्लिक को प्रभावित करता है धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करता है तो ये ऐसे कोई भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकती है तो मैं समझता हूँ कि आ, संविधान संशोधन से संबंधित सभी पॉइंट आपको निश्चित रूप से क्लियर होगा अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें संविधान संशोधन से संबंधित सभी प्रश्नों को आप न कर पाएँ इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूँ थैंक यू धन्यवाद